हम पहाल से खबर शामिल करते हैं जहां पर भारत की शौर्य से अदा रियासत मणिपुर में भारतीय फोर्सेस की मजीद 10 कंपनियों की तैनाती के बावजूद जिला पहाल में मुश्तिल हजूम ने मजीद 15 मकाम को नजर आतिश कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फायरिंग से 45 साल शख्स जख्मी हो गया जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ताजा तरीन तशद्दुद के पेश नजर इलाके में भारतीय फोर्सेज की मजीद 10 कंपनियां तैनात की गई है जिनमें 5 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की है, 3 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की और 1 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और शास्त्रा सीमा बल की है। मणिपुर पुलिस ने 3 अगस्त को बिश्नोपुर में एक असला खाने की लूटमार की तहकीकात के लिए इंस्पेक्टर जनरल रैंक के एक अफसर से तहकीकात का भी हुक्म दिया। नारंग सेना में इंडिया रिजर्व बटालियन के हेडक्वार्टर से तकरीबन 19,000 गोलियां भी लूटी गयी। DGP राजशेव सिंह ने कहा है की लूटे गए असला और गोला बारूद की बादशाबी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नस्ली झड़पें 3 मई को उस वक्त शुरू हुई जब शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के हिंदू में तिबरात्री के मुतालबे के खिलाफ मसीही कोकी कबीले ने पहाड़ी इस्लाम में एहतजाजी मार्च का एहतमाम किया। तशद्दुद में अब तक 160 से ज्यादा जाने जा चुकी है।